नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में जो नए सदस्य बनाते हैं हम या एफपीओ के अंतर्गत जो नए सदस्य बनते हैं उनसे कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लेना होते हैं, जो फॉर्म फिल कराया जाता है, फॉर्म में क्या क्या जानकारियाँ होना आवश्यक होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को के नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली अगली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो प्राप्त हो सके। तो देखिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं सदस्यता का फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में सदस्य बनने के लिए, उसमें जो सबसे पहली चीज़ है कृषक का नाम होना चाहिए, उसके पिता का नाम होना चाहिए, उसके गाँव का नाम होना चाहिए, उसकी आयु, जन्मतिथि और जाति भी होना चाहिए ताकि उसकी कैटेगरी पता चल लग सके। उसका एजुकेशन की भी डिटेल आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसका पूरा एड्रेस या पता जो होता है वह उसमें उल्लेखित होना चाहिए। जो किसान है उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसकी खेती का रकबा कितना है, 1 एकड़ 2 एकड़ 1 बीघा 2 बीघा, ये जानकारी भी उस फॉर्म में होनी चाहिए। कौन कौन सी फसल वो उसमें बोता है उसकी भी जानकारी होना चाहिए। कौन कौन से रसायन वो उपयोग करता है, वो जैविक खेती करता है या प्राकृतिक खेती करता है। उसका जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी खेती है सिंचित है असिंचित है, ये जानकारी जो है उस फॉर्म में होना चाहिए। साथ में सिंचाई के उसके पास क्या साधन है, वह खरीफ में कौन सी फसल बोता है, रवि में कौन सी फसल बोता है या अन्य कौन सी फसल वो बोता है, ये सब जानकारियाँ एक एप्लीकेशन फॉर्म में, आवेदन फॉर्म में होना चाहिए। इसके अलावा आप उसकी जो बेसिक जानकारी के लिए उसका आधार कार्ड में जो डिटेल है वो ले सकते हैं, पैन कार्ड में जो डिटेल है वो ले सकते हैं। इसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आप अपने सदस्यों से, जो नए सदस्य बन रहे हैं उनसे उनका एक आइडेंटिटी प्रूफ ले सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में आप उनका आधार कार्ड ले सकते हैं, पैन कार्ड ले सकते हैं या वोटर आईडी ले सकते हैं। इसके अलावा आप उनका बैंक स्टेटमेंट ले सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट या बैंक की पासबुक की कॉपी इसलिए आप ले सकते हैं ताकि फ्यूचर में, भविष्य में जब आप उनके साथ ट्रांजैक्शन करें, वो अपना कोई इनपुट कंपनी को सप्लाई करें, उनका जो प्रोड्यूस है, उत्पाद है, तो उनके अकाउंट की डिटेल आप पे रहे तो कंपनी द्वारा उनके अकाउंट में ही डायरेक्ट उनकी फसल का जो फंड है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप केस में उनको पेमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनकी जो बही की कॉपी रहती है, खसरा खतौनी जिसे कहते हैं या 7/12 कहते हैं, एक वो ले सकते हैं जिससे आपको पता होगा या कंपनी पे एक रिकॉर्ड रहेगा कि उसके मेंबर के पास कितनी जगह है, कितने में वह खेती कर रहा है ना। तो प्रमुख रूप से ये डॉक्यूमेंट होते हैं, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या बैंक स्टेटमेंट, सॉरी ड्राइविंग लाइसेंस हो गया आईडी प्रूफ के लिए, उसके बाद उनकी पासबुक या बैंक स्टेटमेंट की कॉपी, उनकी बही या खसरा खतौनी या 7/12 की कॉपी। ये डॉक्यूमेंट आप लेके जो एक आपने एप्लीकेशन फॉर्म बनाया है उस पर जो है आवेदक के जो मेंबर बनना चाह रहा है उसके साइन होना चाहिए, पूरी डिटेल उसमें लिखी होना चाहिए। और ये जो डॉक्यूमेंट है कहीं फाइल नहीं करना होते हैं, ये कंपनी को अपने रिकॉर्ड के लिए रखना होते हैं। कंपनी को ये जो डॉक्यूमेंट है आगे विश्लेषण करने में, एनालाइज करने में यूज़ होते हैं दोस्तों। तो ये डॉक्यूमेंट कंपनी को संभाल के रखना चाहिए अपने मेंबरों के। तो इस वीडियो में हमने देखा कि नए मेंबर को जोड़ने के लिए उससे कौन कौन सी जानकारी और कौन कौन से दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स लेना आवश्यक होते हैं और कंपनी के रिकॉर्ड में रखना अनिवार्य होते हैं ताकि भविष्य में कहीं आपको ये प्रूफ करना हो तो आप इन डॉक्यूमेंट के माध्यम से अपने सदस्यों की जानकारी गवर्नमेंट को या अन्य कोई गवर्नमेंट एजेंसी को प्रोवाइड कर सकें। दी गई जानकारी उपयोगी हो, महत्वपूर्ण हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।